लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर बहटा मुजावर क्षेत्र के गढ़ा गांव के पास बस और टैंकर में टकराव के बाद हादसे में 18 लोगों की मौत हुई है, करीब 20 लोग घायल हुए हैं। यूपीडा कर्मियों ने तत्काल मदद की और पुलिस को सूचना दी। विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान शुरू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की पत्नी और कई दिग्गज नए चेहरे उम्मीदवार। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने दिल्ली पुलिस को एक पत्र लिखते हुए शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अभद्र टिप्पणी करने वाले शख्स के खिलाफ धारा 79 और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मीडिया से बातचीत में दाल की कीमतों को लेकर उठे सवाल के जवाब में दावा किया कि 100 रुपए किलो से ज्यादा दाल नहीं है। सवाल दोहराए जाने पर हंसकर बात को टालने की कोशिश की। कीमतों को लेकर कृषि मंत्री के दावे की सोशल मीडिया पर खासी आलोचना हो रही है। सपा ने भी घेरा है। दिल्ली में मानसून बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आज भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है और तापमान 34 डिग्री तक रहेगा। हाथरस के सत्संग में सुरक्षा लापरवाही के आरोप में उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह और सीओ आनंद कुमार पर कार्रवाई की गई, साथ ही 6 अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित किया गया। यह वायरल हो चुकी तस्वीर दिखा रही है बाबा सूरजपाल के सत्संग में होमगार्ड लगे होने की। हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों विधानसभा उपचुनाव के लिए मैदान तैयार हो गया है। आज 13 उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में उतरकर अपना अपना भविष्य आजमा रहे हैं। इन चुनावों में 2.59 लाख मतदाता वोट देंगे। हिमाचल प्रदेश में मानसून आफत बन गया है। 42 सड़कें अभी भी बंद है और बारिश की चेतावनी जारी है। चंबा में 80, कांगड़ा जिला में ही 40 ट्रांसफॉर्मर खराब है और 48 पेयजल योजनाएं ठप है। राज्य में आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। महाराष्ट्र के हिंगोली में आज सुबह 7:14 पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। लोगों ने महसूस किया है कि भूकंप की तीव्रता इतनी थी कि वे सोते हुए भी उठ गए। यह भूकंप उसी शहर में पहले से दूसरा इंटरवल है। दिल्ली में मौसम विभाग की भविष्यवाणी लगातार गलत साबित हो रही है। मंगलवार को दिल्ली में अच्छी बरसात हुई। बृहस्पतिवार और शुक्रवार को भी अच्छी वर्षा की संभावना है।